नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा, और आज वीकेंड चर्चा में हम बात करेंगे 2024 की, यानी कि लोकसभा चुनाव की। जहां विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी, हालांकि सपा ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अब सबका फोकस है 2024 की ओर। 2024 वो चुनाव है जहां पे सभी पार्टियां अपना हाथ भी आजमाएंगी और आने वाले समय के लिए अभी से तैयारियों में जुट भी चुकी हैं। बात करी जाए कांग्रेस की, तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस टाइम पे है देश में, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और कहीं ना कहीं वर्चस्व जिस तरह से इतने सालों तक रहा है वो कहीं खोता जा रहा है। उसको बरकरार रखने के लिए तमाम कांग्रेसी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वही अपना वर्चस्व लाया जाए और उसके साथ ही 2024 में जीत हासिल करी जाए। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे प्रदर्शन के बाद अब लोकसभा चुनाव की तरफ फोकस कर रही है। यूं तो कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है और चुनावों पर फोकस रहता है। आने वाले समय में निकाय चुनाव भी हैं, जिसको लेकर आज बसपा ने भी बैठक करी, और बसपा ने बैठक कर निकाय चुनाव साथ ही साथ 2024 के ऊपर भी मंथन किया। सपा की बात करी जाए तो उसने मुख्य रूप से फोकस किया है राज्य की राजधानी की ओर, राज्य की राजधानी और राजनीति पे फोकस करते हुए उसने अब विधानसभा में बैठने का फैसला किया है। यहीं से ही अब आगे के चुनावों पर फोकस करा जाएगा। लेकिन वहां पे भी जिस तरह से अंदरूनी विवाद, जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनके जो प्रमुख चेहरे, उनकी तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, अब उनको लेकर भी सवाल उठने लगा है कि इतनी नाराजगियों के बाद क्या सपा के लिए आसान रहेगी 2024 की डगर। इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक भी करी है 2024 पे मंथन के लिए। ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना की। आज 2024 के चुनावों पर काफी फोकस है सभी पार्टियों का, सभी पार्टियां 2024 के चुनावों के ऊपर फोकस कर रही हैं। वहीं बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लगातार भुनाया भी जा रहा है। सपा भी अपनी ओर से लगातार सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। बसपा की बात करी जाए तो बसपा ने जिस तरह से इस बार का प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने जिस तरह से इस बार विधानसभा के चुनावों में अपना प्रदर्शन किया है, उसको देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि मजबूत होने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था दोनों पार्टियों का। हालांकि प्रियंका गांधी ने बहुत कोशिश करी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने की, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो परिणाम रहे वो निराशाजनक रहे। इसीलिए समीक्षा बैठक बुलाई गई है, चिंतन करेंगी, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी अभी कांग्रेस के अंदर काफी चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित कहीं ना कहीं किया जा रहा है। विपक्ष हमलावर रहता है भाजपा पे, भाजपा अपने कामों को गिनाती है, बसपा अपने आप को किस तरह से मजबूत करना है इसके ऊपर चिंतन कर रही है, कांग्रेस अपने अंदरूनी चीजों को ही मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस में काफी अंदरूनी कलह चल रही है जिसको मजबूत करना, जिस पे ध्यान देना काफी जरूरी भी है, मंथन करना काफी जरूरी है। वो चाहे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बात करी जाए कांग्रेस में, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करी जाए, अभी इन्हीं सब चीजों के बीच में कांग्रेस जूझ रही है। सपा मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन क्या केंद्र में इस बार अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी 2024 के चुनावों में? लोकसभा में किस तरह का प्रदर्शन रहेगा सपा का, इसके ऊपर चर्चा का विषय बना हुआ है कि चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि शिवपाल की नाराजगी भी देखने को मिली, आजम की नाराजगी भी देखने को मिली, सदन में गायब रहे, कहीं नजर नहीं आए। और बात करी जाए ओपी राजभर की, तो उन्होंने भी बीते दिन ये बयान दिया था कि एसी से एसी कमरों से निकल के अखिलेश को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर आके उनको काम करना चाहिए। तो इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी जरूरत है कि इन सब चीजों पे मंथन किया जाए, चर्चा करी जाए कि आखिर पार्टियों की 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। तो सीएम योगी की बात करें अगर, तो उन्होंने आज विपक्ष पे निशाना भी साधा है, प्रधानमंत्री की कई योजनाओं के बारे में भी बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की विपक्ष का बिना नाम लिए ही हमला भी किया, साथ ही बताया कि प्रदेश में पहले और अब क्या बदलाव हुए हैं, यानी कि बिना नाम लिए उन्होंने सपा पे सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश और ऊर्जा भरने का काम भी किया।
उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कार्य करने और 75 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर सभी से आगे बढ़ने का आह्वान किया है। 37 सालों का रिकॉर्ड टूटा है बीजेपी का, दोबारा सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, इसकी भी सराहना की, कार्यकर्ताओं की और नेताओं की तारीफ भी की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और यूं तो कहा जाता है कि हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है बीजेपी, उसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं, वो चाहे आने वाले समय में निकाय चुनाव हो या फिर 2024 के चुनाव, क्योंकि हर एक कदम बीजेपी का 2024 को देखते हुए ही उठाया जा रहा है और माना जा रहा है कि केंद्र की भी काफी भूमिका है इस बार उत्तर प्रदेश के हर एक कदम में। तो इसमें कितनी सत्यता है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, बाकी पार्टियों की कितनी तैयारी है इस पे भी चर्चा करेंगे, कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छी भूमिका निभा पाती है इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। क्या अंदरूनी कलह कलेश से निकलकर क्या देश के भविष्य के बारे में सोच रहा है विपक्ष, इस बारे में सोचना भी जरूरी है, क्योंकि अपने मसलों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान है। सरकार के काम जिस तरह से किए जा रहे हैं, सरकार अपने कामों को गिना रही है, उसकी जिस तरह से तारीफ करते हुए नजर आती है, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए तो वो भी प्रधानमंत्री के कामों की, अपने कामों की बड़ी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन विपक्ष इन सबके बावजूद भी काफी निशाना साधता है। तो क्या विपक्ष अपने काम को बखूबी निभा पा रहा है? मिशन 2024 में राजनीतिक दल जुट चुके हैं, मोदी सरकार के 8 साल भी पूरे हो चुके हैं और अब आगे क्या देखने को मिलेगा, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे या फिर कोई ऐसी पार्टी है जो कि प्रधानमंत्री को, बीजेपी को रिप्लेस कर सकती है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो 2024 में कारगर साबित होंगे, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रजी हसन जी सपा से जुड़ चुके हैं, अनिल शुक्ला जी बीजेपी से, पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी और विजय दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सबसे पहले आप इसे शुरुआत करेंगे, बीजेपी की तैयारियों के बारे में जानना चाहेंगे, हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, उसके सारे एक एक काम एक एक कदम चुनाव को देखते हुए ही रहते हैं, तो इस वक्त जो रणनीति बनाई जा रही है, आज कार्य समिति की बैठक भी हुई, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है और जो हमारा संगठन है जी, या जो चुनाव की तैयारियां हैं वो भी बड़ी क्वालिटेटिव होती हैं जी। हम रफ टफ तरीके से हम लोग चुनाव में नहीं जाते हैं, बाकायदे इसके लिए हमारे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग जी, योजनाएं तैयार करते हैं, उन योजनाओं को कार्यकर्ता जमीन पे उतारता है और फिर लोगों को अपने तरफ करके और पार्टी को जीत हासिल कराता है जी। तो इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या कुछ योजना लेकर के आज जो हमारी चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली कार्य समिति की बैठक हुई है जी, इसमें हमारे सारे वरिष्ठ जो है पदाधिकारी, सारे मंत्रीगण, सारे जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो कार्य समिति के सदस्यगण हैं, आमंत्रित सदस्य हैं, वो सभी लोगों को इसमें बुलाया गया है और आगे की तैयारी के बारे में उनसे चर्चा की गई है। और चूंकि अभी 8 साल पूरे हो रहे मोदी जी के आज जी, तो उसको लेकर के भी हम लोगों को आगे आने वाले 15 दिनों में गांव-गांव में घर घर जा कर के सरकार की उपलब्धियों को बताना है और सरकार लोगों की गरीबी को ख़त्म करने के लिए, उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए क्या काम कर रही है जी, देश को दुनिया के नक्शे पर ले जाने के लिए क्या काम कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि नए भारत के निर्माण के लिए क्या काम कर रही है, इन सबको उनके पास लेकर के जाना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाले अगस्त में ये हमारा देश 75 साल पूरे कर लेगा, इन 75 सालों में जो कुछ होना चाहिए था या जो जिम्मेदार लोग रहे जी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उसका नतीजा है कि आज भी हमें उन बुनियादी चीज़ों के लिए काम करना पड़ रहा है जिसके लिए कम से कम 50 साल पहले काम हो जाना चाहिए था जी। तो एक बड़ी जनसंख्या जो आज़ादी के समय पैदा हुई और आज 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो उनका जीवन तो दुख में तकलीफ में कट गया, लेकिन अब बीजेपी की कोशिश है, माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की ये कोशिश है कि जो हमारी जनरेशन आने वाली है जी, जिनको हम लोग छोड़ करके इस देश में जाएंगे, तो
तो वो लोग एक अच्छा जीवन जिए, एक बेहतर देश में सारी सुविधाएं मिले उनको और दुनिया के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में वो लोग खड़े हों। आज इस बात केवल मकान की, नाली की, खड़ंजा की, बिजली की, पानी की ना हो, दुनिया में जहाँ कहाँ जा रही दुनिया, तो उस दुनिया के साथ हम चलें और भारत को भी दुनिया के नक्शे पर आगे ले जाएं जी। और इसको हम लोग जिस तरीके से हम पहले भी भारत पूरे विश्व का गुरु रहा, तो ये विश्व गुरु बने मोदी जी के नेतृत्व में जी। इसके लिए हमारा सारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की कोई भी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होते हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको लोग करते हैं जी। कोई नाराजगी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। आपने देखा कि हमारी पार्टी की चुनाव हुए, सरकार बनी और सरकार बढ़िया चल रही, कहीं किसी का कोई एक भी कोई नाराजगी की बात नहीं है। तो चूंकि देश को बनाने के लिए और एक एक अच्छा काम करने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं, केवल सरकार बना करके और शासन करके और चले जाएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है जी। तो बीजेपी की तैयारियां तो हमने जान ली है देवेंद्र जी, कांग्रेस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि 2024 को देखते हुए कांग्रेस की क्या तैयारियां है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक देश पे काम भी किया है, शासन भी किया है, तो लेकिन कांग्रेस की जो इस वक्त की स्थिति है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां चल रही है 24 के लिए, और जितना समय बचा है तो वो क्या पर्याप्त है कांग्रेस के लिए एक बार फिर से खड़े होने के लिए, देश में एक बार फिर से सत्ता संभालने के लिए? देवेंद्र जी, तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है देवेंद्र जी से, तो हम रजी जी आपसे जानना चाहेंगे कि सपा जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है, तो यहाँ पे तो अच्छी खासी संख्या में आपके विधायक मौजूद हैं, लेकिन 24 के लिए सपा की क्या कुछ तैयारियां चल रही है? सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार, प्रणाम। समाजवादी पार्टी 2012 से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, हर काम करती है और मूड में रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, जब हमारी 2012 में सरकार थी, तो 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत सारा काम हुआ और बहुत सारी योजनाएं जनता को लाभ मिला उसको, और उसके बाद 14 का चुनाव हुआ। जैसे ही 14 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव से लेकर 2017 और 2019 जी, और फिर उसके बाद 2022 में किस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी, 14 में सरकार बना ली, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी देश की, अच्छे वादे किए, अच्छे दिन लाने वादे किए, 15 लाख देने के भी वादे किए, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करने का भी वादे किए। फिर उसके बाद 2019 में चुनाव आया, वही घोषणा पत्र और वही बातें जी, फिर उसके बाद मंचों से दोहराई गई कि अच्छे दिन आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को सम्मान मिलेगा, बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलेंगे। बीजेपी ने तो कई दावे वादे किए, आपकी क्या कुछ योजना है 24 को लेकर? वादे बहुत सारे किए, मगर फिर लास्ट में यह आ गया जी, जब भारतीय जनता पार्टी किसी कार्य में सफल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो पूरा चुनावी मोड अपना जाति या धर्म के बारे में कर देती है, और उत्तर प्रदेश की जनता, भोली भाली जनता, देश की हमारी भोली भाली जनता, फिर किए गए विकास कार्यों को थोड़ा सा देख करके जातिगत भावनाओं में बहकर, इनके बहकावे में आकर कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेती है। अब समाजवादी पार्टी ने 2022 का जो अभी लेटेस्ट रिसेंटली चुनाव हुआ, जिसमें 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली और 10 मार्च, 10 मई, 10 मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद अभी भी सिर्फ कार्य समिति की बैठक हो रही है, चुनाव की आगे की रणनीति की बैठक हो रही है,
बजट में क्या लाए हैं, ये जनता को कब तक उसकी सुविधाएं देंगे, इसके बारे में कोई डिसीजन या कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके चैनल पर या किसी अन्य चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये मेरा घोषणा पत्र, ये मेरा बजट आया है, मैं इतने दिनों में इसको प्रस्तुत करूंगा, जनता को इसका सीधे लाभ दूंगा। तो ये तो, और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष के रूप में चुना जी। उसके लिए धन्यवाद, आभार। और हम फिर जनता की मूल समस्याओं के लिए और इनके काले कारनामे, चाहे वो MSP का मामला हो, चाहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला हो, और चाहे घोषणा पत्र इनके ही जो 2017 के थे, 2022 के थे, उसको ना पूरा करने का मामला हो। हमने तो अपना घोषणा पत्र पूरा कर दिया, हम 2012 में सरकार आए, 27 लाख लोगों को लैपटॉप दिया। हम जब 2012 में सरकार बनाई, हमने 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। हमारी सरकार आई तो हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने अपोलो हॉस्पिटल बनाया, हमने मेदांता हॉस्पिटल बनाया। आगे की क्या रणनीति, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आगे किन मुद्दों को लेकर चलेंगे, जनता के कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे। जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे तो जनता खुद, आप खुद चैनल के माध्यम से देख लीजिए कि नौजवान पकौड़ा बेचने की कगार पर है, नौजवान BA करके बैटरी रिक्शा चला रहा। आज तो रिक्शा भी बंद हो गया, बहुत जहाँ पर मेट्रो स्टेशन होंगे या मेट्रो ट्रेन चल रही होंगी वहाँ तो बैटरी रिक्शा नहीं चल सकता। तो नौजवान नौकरी की कगार पर खड़ा है, रोडों पर आ गया है, किसान का अभी पूरा भुगतान नहीं हुआ, और किसानों को जो बेवकूफ़ बनाकर सरकार है उसको भी उजागर हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों की चुनाव की पूरी तैयारी, जिस दिन हम लोग 10 मार्च को भाजपा की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी सर, उसी दिन से हम लोगों ने एक प्रण ले लिया कि उत्तर प्रदेश की मूल बात, समस्याओं की, जनता की समस्याओं को जन जन तक उठाने का काम करेंगे, कि ताकि भारतीय जनता पार्टी के फिर 2024 में यही घोषणा पत्र कि 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी। मैं यही कहूँगा, समाजवादी पार्टी यही कहेगी और जनता को समझाएगी। और इस बार ऐसा जनता ने भी मन मना लिया है कि अब किल जातिवाद और धर्मवाद के वाद में नहीं आएगी, और एक संपूर्ण विकास की सरकार उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में बनेगी, और उसके साथ हम लोग हमेशा सदैव खड़े रहेंगे जनता के लिए। जी बिल्कुल, विजय जी, इस वक्त की जो स्थिति आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या BJP को रिप्लेस किया जा सकता है, कोई ऐसी पार्टी है जो रिप्लेस कर सकती है, या फिर अभी काफी समय लगेगा BJP को रिप्लेस करने में? देखिए, जो कुल परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां खासतौर पर लगातार बनी हुई है जी, उसमें असल में अभी कोई ऐसा एक मजबूत उम्मीदवार प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए हमें विपक्ष से नजर नहीं आता जो मोदी जी को रिप्लेस करने की स्थिति में हो, प्रधानमंत्री मोदी के बराबर खड़े होकर के उन चीजों को जवाब दे सके, उनका रिप्लाई हो, उनका एक एक एक, एक, एक कह सकते हैं कि उनका सब्स्टिट्यूट आपके पास, आपको एक नेता तो देना होगा पहले। जब ये अपोजिशन पार्टियां इस बात को कहती है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे अन्य पार्टियों की बात कर ली जाए, तो आप किसको अल्टरनेट के रूप में देखिए। जनता जो है वो हमेशा एक ऐसे नेतृत्व की मांग करती है जो कि उसको आकर्षण उसमें लगे, उसके लिए कुछ विशेष डिलीवर करने की क्षमता रखता हो, और एक मजबूत कैंडिडेट को। लेकिन हमें अगर पूरे विपक्ष को हम एक बार खंगालें तो हमें कोई ऐसा नेता आज की डेट में 2024 के लिए तैयार होता हुआ जी। उसके मोदी जी को चैलेंज करता हुआ एक देखिए होता क्या है, एक राजनीतिक चुनौती होती है जी। जो आपको खड़ी करनी होती है, और उसमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए, एक ऐसा फ्रंट चाहिए, एक ऐसा मजबूत बैकअप चाहिए जो राजनीतिक तौर पे एक्सेप्ट करे कि हम इस व्यक्ति की लीडरशिप में आने वाले लोकसभा चुनावों में अपना दावा पेश करेंगे, और ये ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। तो वो एक्चुअली जो संकट है, पहले विपक्ष को इसका समाधान तो ढूंढना ही होगा जी। क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव नहीं है, एक क्षेत्रीय स्तर पे नहीं लड़े जा सकते। जब लोकसभा की बात आएगी
तो आपको लोगों को एक सब्स्टिट्यूट देना होगा, उनके सामने एक सब्स्टिट्यूट पुटअप करना होगा जो कि प्रधानमंत्री मोदी को रिप्लेस करने की क्षमता रखता हो। और जब तक ऐसा कोई क्रांतिकारी व्यक्तित्व सामने नहीं आएगा, ऐसा कोई मजबूत व्यक्ति सामने विपक्ष नहीं रखेगा, तब तक ये चुनौती कैसे खड़ी करेगा। और केवल चुनौती व्यक्ति से नहीं होती है, अगर मैं उसको भी इतर कर दूं मान लीजिए, तो आपको मुद्दे भी तो खड़े करने होंगे। आज बीजेपी के खिलाफ मुद्दा खड़ा करने में मुझे विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है जी। और जहां तक बात यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका कि राष्ट्रीय फलक पे कई राज्यों में प्रभाव है जी। वो पार्टियां भी अभी किसी किसी मोड़ में नजर नहीं आती, कोई ऐसा भी नजर नहीं आता है कि उनके पास में कोई करिश्माई नेता हो जो कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहा हो, वो मुद्दे को उठा रहा हो और प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती के रूप में आ रहा हो। तो ये सब संकट जो है जब तक बने रहेंगे तब तक विपक्ष के सामने कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में जब तक वो लेके नहीं आता तब तक ये चुनौती खड़ी करना एक वर्तमान प्रधानमंत्री के सामने, ये बड़ी एक खालीपन सा लगता है इस बात का। और ये कहीं ना कहीं से किसी गठजोड़ के रूप में या थर्ड फ्रंट की बात कई बार आती है लेकिन वो कभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, या कांग्रेस के ही साथ में मिलकर के कोई व्यक्ति कोई ऐसा मजबूत नेता सामने तो आए जो कि चैलेंज करे। और ऐसा कि फ्रंट भी कम से कम सामने आना चाहिए जो 24 की तैयारी के लिए माना जाए कि विपक्ष जो है एक मिला जुला अपना प्रयास करेगा और ऐसी चुनौतियां खड़ी करेगा। जहां तक बात बीजेपी की है तो बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में रिपीट हुई है, उसने दोबारा सरकार बनाई है, चाहे वो वादे उन्होंने कौन से किए या किससे लोग उनकी ओर झुके वो एक विषय अलग है कि हम उन मुद्दों पे पड़ताल करें, लेकिन एक बात तो निश्चित तौर पे है कि अगर वो इस मेजोरिटी के साथ में आज सरकार बनाने में सफल हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव भी इधर है। और ये एक बड़ी काउंट करने वाली बात है, एक बड़ा ऐसा वो है इशू है जिसको कि हल करना होगा विपक्ष चाहता है तो। अब ये नहीं हो सकता है कि केवल एक 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 पार्टी जो है क्षेत्रीय स्तर पे अपने लिए कुछ गणित खड़ी करे और उसमें दूसरी पार्टियां जो हैं वो उसके सहयोग में जिसको विपक्ष को आना चाहिए वो वहां नजर रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय फ्रंट मुझे लगता है कि शायद 24 के पहले अगर डेवलप होता है और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी करता है जिसमें कई क्षेत्रीय दल मिले जुड़े हों, तो मैं मान सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में एक ऐसा फ्रंट सामने होगा जिसका एक मजबूत उम्मीदवार होगा और वो चुनौती देने की स्थिति में होगा। लेकिन अभी इसकी जो है कोई पृष्ठभूमि नजर नहीं आती, तो ये पृष्ठभूमि तो मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं से। देखिए कुछ उम्मीदवार अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, माने जा रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी कुछ राष्ट्रीय स्तर के बड़े क्षेत्रीय दल भी जोड़े, जैसे मान लीजिए कि अगर जयंत चौधरी को राज्यसभा के लिए दिया गया तो आप मान के चलेंगे कि भाई लोकसभा चुनाव में भी जयंत चौधरी सपा के गठजोड़ में जुड़े हुए रहेंगे जैसा कि वो कह भी रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि कपिल सिब्बल जैसे एक बड़े लीडर को लाना सामने निश्चित तौर पे एक अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे वक्ता को चुना है जो राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे उठा सकता है, प्लस वो जो मोदी सरकार है इसके खिलाफ अपना आवाज को रखने में शायद सक्षम व्यक्ति है। लेकिन आज वो भी ये है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट रास्ता चुना, उन्होंने सपा को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है सपा के समर्थन से वो जा रहे हैं, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे कैसे जो है वो किस मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे, किन गठजोड़ के रूप में आगे होंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में तो गणित जो है दूसरी किस्म की है, लोकसभा चुनाव की स्थितियां बदली हुई हैं और बदली हुई रहेंगी। और 2019 का जो सिनेरियो था वो तो ये साफ बताता है कि 5 सीटें जो है वो सपा के पाले में गई थी और कांग्रेस मात्र 1 सीट जो रायबरेली की है वही जीत पाई थी। तो इसमें ये जो पिछला डाटा है वो डाटा बहुत आकर्षक नहीं है, और इसको कहना कि साहब मोदी या योगी या बीजेपी की लहर है नहीं है, जैसा कि मतलब लगातार ये कहा जाता रहा है 22 के चुनाव में भी स्थिति आई विधानसभा का हुआ तो कि साहब जो है योगी का प्रभाव और मोदी के प्रभाव के कारण से सारा चीजें जो है एक तरफा या बदली हुई नजर आई। लेकिन ये जो बढ़त समाजवादी पार्टी को मिली है इस 22 के चुनाव में इसका भी कोई मायने है, तो इसको प्लेटफॉर्म बना करके इसको भी कंसिडर करना चाहिए
कौन से विपक्ष को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को स्थापित करने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। अनिल जी, अभी जिस तरह से विजय जी ने कहा है कि अभी बीजेपी के अलावा कोई ऐसे विपक्षी दल दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर सब गठबंधन करके एक साथ आ जाए तो काफी नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमने देखा विधानसभा चुनाव में सपा बहुत ही एक्टिव नजर आई थी और उसका असर भी देखने को मिला। पिछली बार के मुकाबले इस बार के वोट बैंक कम हो गए, वोट की कमी आई है, तो अगर इस तरह से लोकसभा में भी देखने को मिला गठबंधन कर लिया, क्योंकि ऐसे तो क्षेत्रीय पार्टियों का इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो उन परिस्थितियों में जरूर झटका लग सकता है बीजेपी को, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, ये जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं जी, ये सारी धीरे धीरे बिखरती जा रही हैं। इनको चुनाव में तो जाना है और इसीलिए लोग पार्टी बनाते भी हैं जी, लेकिन इसके पहले इनको अपने आप को रिवैम्प करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये नहीं खुद कर पा रहे हैं तो कुछ देख करके सीख करके उसी से करें जी। अभी हमारे रजी भाई जो कह रहे थे कि बहुत काम किया इन्होंने, ले करके 12 से 17 तक पूरा उत्तर प्रदेश को चमका दिया, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि जब इतना आपने काम किया तो जनता ने आपको 212 से 45 पर क्यों ले आई? इसका मतलब जो आपका काम था जनता ने उसको पसंद नहीं किया जी, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो जजमेंट है तो जनता के हाथ है ना, वही तो जज है ना जी। तो हमने इनको 12 में भी क्या नाम, हमने इनको 17 में भी शिकस्त दी, इसके बाद इन्होंने गठबंधन किया और वो एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का गठबंधन था, मैं समझता हूँ। तब फिर आपने देखा कि इनको 12 के बाद हमने 14 में भी शिकस्त दी जी, और 14 की शिकस्त के बाद जब 19 आया जी, तो बहन जी से गठबंधन हो गया। मैं समझता हूँ कि सब तो पूरा लग रहा था सारा एक तरफा हो जाएगा, तो वो गठबंधन भी काम नहीं आया। बहन जी तो 10 सीट पा गई, लेकिन ये लोग कुल 5 ही सीट जीत पाए, तो इसके बाद भी रिजल्ट आए। और अब की बार 22 में तो इतना हो हल्ला था चारों तरफ कि लग रहा था अधिकारी तक बोलने लगे थे जी, है ना, लेकिन फिर लोगों ने 37 साल का मिथक तोड़ते हुए और योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री और सरकार बीजेपी की फिर से बनवा दी। तो हमारा केवल कहना ये है कि आज कोई भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई चार्ज नहीं है, कोई आरोप नहीं है जिसके बिना पर विपक्षी एकजुट होकर के और जनता को उसके तरफ मूव कर सके। ये जब एक आपको याद होगा जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गठबंधन घटा हुआ था जी, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा गठबंधन था इस देश का जी, और उसके पीछे कारण भी था जी, कि इमरजेंसी लगाई गई थी, उसमें तमाम लोग जेल भेजे गए थे जी, और लोगों ने उस बात को अच्छे उसमें नहीं लिया था जी, तो सारे लोगों ने फिर वोट दे करके। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो हुई है सीट में सपा की। देखिए, बढ़ोतरी क्या होता है, अब की बार दो तरीके से लोग बट गए जी। एक तरफ वो लोग बट गए जो विकास चाहते थे, प्रदेश में शांति चाहते थे जी, आगे बढ़ना चाहते थे और सही काम करके देश प्रदेश को जी विकास की तरफ ले जाना चाहते थे। वो एक तरफ वो जुट गए और एक तरफ वो जुट गए जी जो पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करना चाहते थे जी, दूसरे को बेइज्जत करना चाहते थे, दूसरे की जमीनों पे कब्जा करना चाहते थे जी, और सारे जितने थे वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए जो गलत काम करना चाहते थे। तो उसका नतीजा हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सच तो सच होता है, तो लोगों ने सच्चाई का साथ दिया और दोबारा फिर हमको मौका दिया। और अब मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो हमारे अभी दुबे जी कह रहे थे जी, उनके बाद से अपने आप को जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले चुनाव तो पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले कैंडिडेट के सामने कैंडिडेट आना चाहिए, जो हमारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर है जी, उस कैंडिडेचर के पहले कोई कैंडिडेट आवे ना, इसके बाद तो बात की बातें हैं। और फिर गठबंधन कितने टिकते हैं, तमाम जो
पार्टियां हैं, कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं जी। ये सारी तो अपने घरों की पार्टी है, एक एक आदमी की पार्टी, एक एक आदमी की पार्टी जी। ये तो अटल जी ने कहा था कि वहां से अकेला चलो और फिर यहाँ आके मिलो, तो उस तरह की ये जो पार्टियां हैं, एक एक आदमी की पार्टी, एक एक परिवार की पार्टियां हैं जी। और बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों का इस पर विश्वास है। और अब ये मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले अभी 10-20-25 सालों में जी। अभी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। जो लोग भी ये अपने मन में सपना सजो के बैठे हैं या ख्याल लेके बैठे हैं जी। मैं समझता हूँ मोगेरी लाल के सपने हैं, वो कभी पूरे होने वाले नहीं है। ये देश जो है क्या नाम मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की करेगा और इस देश का इतिहास ये लिखेगा कि हाँ 75 साल पूरे होने पे एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया। नहीं तो हम भी गुलाम थे और जापान अन्य पार्टियों को मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि जापान हमसे बाद में आजाद हुआ था जी। जापान कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं, आप देख लो। अगर लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज हम भी जापान के बराबर खड़े होते, आज उनकी रेल हमको जरूरत नहीं पड़ती, हम अपनी रेल बना के उनके बुलेट ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहाँ जाके। आप ही ने कहा, अरे आप अपनी बुलेट ट्रेन को भूले जा रहे हैं। हम कहे तो है ना, आप सांसद जी बताइए, आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम अपनी बुलेट ट्रेन वहाँ चलाते हैं। तो कहाँ बुलेट ट्रेन भारत में नहीं चल पा रही, तो आप वहाँ काम हो तो रहा बड़ी, अरे कहाँ से तेजी से 2014 से लेकर 2019 से फिर 24 8 साल पूरे हो चुके। अच्छा एक ऐसे थोड़ी हो जाते, आप बताइए मेट्रो ट्रेन लखनऊ में कितनी आगे बढ़ा दी आपने, बहुत बढ़ गई। अरे कहाँ बढ़ गई, अरे आप लोगों ने तो 8 रख दिया था। हम लोगों ने अमौसी एयरपोर्ट से शुरू करके 4 बार और आपके पॉलिटेक्निक चौराहा जो लास्ट वो उसका सब स्टेशन बना, वहाँ तक तो हम ही लोग ने बना दी थी, उसके आगे आप बता दीजिए कानपुर में आपने मेट्रो कहाँ बना दिया, 2 डब्बे। अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, हम लोग ने ट्रेन चला कर कानपुर में देखो जाके दौड़ रहे की नहीं, कानपुर में ट्रेन आपने दौड़ाई, अरे कम से कम वाकई कहते हैं झूठ का पुलिंदा अगर किसी पे है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। आपने 15 लाख देने का वादा किया था, क्या दे दिए जनता को बता दिए, 15 लाख दे दिया आपने, 15 लाख हाँ 15 लाख से ज्यादा लोगों मिल गया, कितना मिल गया बताइए। उज्ज्वला योजना के तहत आपने सिलेंडर दे दिया उनको, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया आपने, मगर गैस बनवाने का पैसा 15 लाख दिया, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। सांसद जी आप तो सम्मानित पद पर रहे, संवैधानिक पद पर रहे, आप तो सांसद रहे, आपको तो पता होगा कि कितना आपके लोकसभा क्षेत्र में कितनी गरीब मजलूम और बेरोजगार नौजवान रह रहे होंगे। बेरोजगार नहीं, अरे कैसे नहीं, आप बता दें तो 2 करोड़ नौकरी आपने दे दी, बता रहे कौन बेरोजगार, 15 लाख नौकरी, 15 लाख रुपए अकाउंट में दे दिए। आप बताइए बुलेट ट्रेन चला दी आपने, नहीं चलाई अनिल जी, ये तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके ना रिजल्ट आ रहे हैं, कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में आपकी दो बार की सरकार, और आपकी रही बात दूसरी 2014 से लेकर 70,000 सहायक शिक्षा भर्ती की बात करी जाए, अन्य भर्तियों की बात करी जाए, कितनी शिक्षा कितनी भर्तियों की बात करी जाए, अभी तो सरकार सिपाहियों की भर्ती की बात करी जाए, अभी तो सरकार बनी है, अभी तो ये सिर्फ पेपर लीक कराना जानते हैं, सिर्फ पेपर लीक कराना जानते हैं और कुछ नहीं। अभी एग्जाम पर भर्तियां, एग्जाम में लड़का टॉपर हो जाएगा, देश का नौजवान आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है देश का नौजवान प्रधानमंत्री के पद के दावेदार भी हो जाए, इस वजह से घबराहट में ये नौजवानों के भविष्य खेला जा रहा है, नौजवानों के भविष्य खेला जा रहा है। आप बताइए इस बार आंकड़े कम क्यों कर दिए गए हैं, इस बार 5 साल में 4 लाख नौकरियां, इतने आंकड़े क्यों कम किए गए, अरे देना कहाँ चाहते हैं ये, हम लोग नौकरी से देना कहाँ चाहते, नौकरी से नहीं जोड़ना चाहते हम, आपके पास आप इनसे चुनाव के आंकड़े पूछ लीजिए, वो जो है वो राजनीतिक आंकड़े पूछ लीजिए, एवीएम की जनसंख्या पूछ लीजिए, सब बता देंगे, मगर जमीन पर कोई काम, कोई मेडिकल कॉलेज, नौकरी, अरे नौजवानों को पकौड़ा बेचने के लिए बहुत सारे, और विपक्ष का यही काम है कि मुद्दे उठाए सरकार को, 2014 की बात बहुत जरूरी है, आपकी प्रचंड बहुमत थी, ठीक है आपने सरकार बड़ी जनता को धोखा दे रहे हैं। और हम बात करें 2024 की, 24 में सबसे अहम भूमिका है कांग्रेस की, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी मौजूदगी भी बहुत जरूरी है, लेकिन बीच डिबेट से कांग्रेस जा चुकी है, वो अपना पक्ष नहीं रखना चाहती है, 24 को लेकर उनका विजन क्लियर नहीं है, अभी वो अपने अध्यक्षों की कहीं ना कहीं भीड़ में ही जुटे हुए हैं कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, ना प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक ऐलान हुआ है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हुआ है, बीच डिबेट से भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता गायब हो चुके हैं, बार बार फोन करने पर भी फोन काट दे रहे हैं, तो वो अपना
पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तो देश को कैसे संभालेंगे, एक बड़ा सवाल है जो कि आज यहाँ उठता है। पक्ष रखना, हम चाहते थे कि कांग्रेस भी अपना पक्ष रखे। प्रियंका गांधी ने काफी कोशिश करी विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी सीट बचाने की, अपना वर्चस्व बचाने की, लेकिन कहीं वो गायब ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की भूमिका अहम है। हम बात कर रहे थे अभी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं बीजेपी को वोटों की चोट पहुंचा सकती थी कांग्रेस। जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो एक होके कहीं ना कहीं वोट बैंक कम कर सकते थे, लेकिन जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी ने कहा कि भूमिका कहीं सही नजर नहीं आ रही है। विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, ना ही कोई एक चेहरा है जो विपक्ष के तौर पर बीजेपी को टक्कर दे सके, यही एक वजह है। हालांकि क्षेत्रीय राज्य के स्तर पर हम देख सकते हैं कि विपक्षीय पार्टियां बहुत मजबूत है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक केंद्र के तौर पे विपक्षी पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस ही जब गायब है तो आखिर कैसे विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम है। विजय जी क्या कहेंगे, कांग्रेस भागा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ अपने डिबेट में पक्ष नहीं रख पा रहा है। 2024 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उनका फोकस किस चीज पे है, लेकिन जवाब देता नजर नहीं आ रहा है विपक्ष। कांग्रेस के गांव में एक भी कार्यकर्ता नहीं है, किसके भरोसे लड़ेंगे? देखिए शिखा जी, क्या है कि कांग्रेस का अभी जो सेटअप है कई स्टेट्स में, कांग्रेस को जैसे पंजाब की बात कर लें, वहां आप ने कांग्रेस से वो पंजाब छीन लिया, अब उनकी सरकार है जी। और दूसरे और स्टेट्स में इन दूसरी पार्टियों के साथ मिल करके सत्ता में कांग्रेस है। अगर उसके पास स्टेट्स के रूप में है तो अब आज कह सकते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे दो स्टेट्स हैं, और सब जगहों पे मिली जुली सरकारें जिसमें कि कांग्रेस का भी अपना शेयर है जी। लेकिन वो क्षेत्रीय दलों की वहां पर अपनी पकड़ है, अपनी रहनुमाई है जो कि वो कर रहे हैं, वही उन्हीं के लीडरशिप में आज वो सरकारें चल रही है। कांग्रेस कंट्रीब्यूट कर रही है, नो इशू, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो दल है जिनके साथ में, जैसे मान लीजिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस महाराष्ट्र में भी सरकार में है, आज झारखंड में सरकार में है, और लेकिन ये जो स्टेट्स हैं ये कांग्रेस को, कांग्रेस की जो एक अपनी छवि है, एक अपनी लीडरशिप है जी, उसके रूप में पुटअप नहीं करती है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जिनमें कि पहले कांग्रेस हुआ करती थी, आज उसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां मुख्यमंत्री बीजेपी का है, आसाम को ले लीजिए, उधर आगे बढ़ जाइए और जो है मिजोरम और जो स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के उसमें है, अगर आप केवल वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए तो आसपास में फिर आपको वही नजर आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मिली जुली सरकार जैसे उनकी बिहार में चल रही है। असल में क्या है कि जब लोकसभा चुनाव के स्तर पर हम बात करते हैं ना, तो हमको ये तैयारी देखनी होती है कि कितने स्टेट्स में कौन किस पार्टी का क्या स्ट्रक्चर है और वहां किस स्थिति में है। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस, जैसे अगर एक प्रोजेक्शन की बात करूं जो कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस चाहे तो 200 या 250 सीटों पर लड़ सकती है मजबूती के साथ में, और सीटें जो है वो दूसरी पार्टियों को दे दे। लेकिन वो कहने का मतलब वही था ले दे करके कि आपको एक गठजोड़ बनाना होगा, और गठजोड़ के साथ में आप अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग अलग इलाकों के लिए लेकर के आप उन पार्टियों को अपने साथ लेकर के एक अपना वो मोर्चा तैयार करिए या कहिए कि गठबंधन बनाइए, फिर आप लोकसभा चुनावों के बारे में पॉजिटिवली सोच सकते हैं। तो ये प्रशांत किशोर की बात है। मैं जो बात आपने उठाई मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की हमारे पास में जैसे बीजेपी आज कह रही है कि साहब हम 75 प्लस की तैयारी के लिए खड़े हुए हैं या कर रहे हैं जी। जैसे वो कह रहा है कि भाई जितना बूथ हम हार जाते हैं हम उनकी उन बूथों पे कंसंट्रेट करेंगे, जो कि जो बूथों की संख्या बताई जा रही है वो करीब 25,000 के आसपास बताई जा रही है। तो अगर ये तैयारियां बीजेपी कर सकती है तो मुझे लगता है कि अन्य पार्टियां भी इस पे फोकस करना चाहिए उनको, और जो एक साल का आप 22 का जो है 6 महीना ऑलमोस्ट मान के चलिए कि कवर हो रहा है, 1.5 साल का पीरियड है, तो 1.5 साल के पीरियड में मुद्दे प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ में आना चाहिए, और कांग्रेस को निश्चित तौर पे लोग और क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेके ही आगे बढ़ना होगा जी। अगर कांग्रेस कहीं एक मजबूत ऑप्शन के रूप में लोगों के सामने आना चाहती है तो कांग्रेस को वैसे आना होगा। फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं जैसा उनका कि
जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था जी। तो सोनिया गांधी ने ये कहा था कि हम भारत जोड़ो आंदोलन चलाएंगे और लोगों के भी जाएंगे। अब देखिए किस तरीके से, लेकिन ये तो अपनी कांग्रेस ही नहीं जोड़ पा रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग अंदरूनी विवाद देखने को मिलता है, ट्विटर पे सिर्फ सवाल उठाते हैं। देखिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पार्टी रही है, पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अब उसको किस तरीके से चैनलाइज कैसे जोड़ा जाता है, किस प्रकार से अपने लोगों को मोबिलाइज करती है कांग्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इस नजरिए से भी है कि वो स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करती है और लोगों को जोड़ करके कैसे अपने आप को स्टैंड करती है कि वो जवाब दे सके। मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी के सामने कोई आपको चुनौती देनी है, कोई मजबूत उनके सामने एक रखना है गठजोड़ ला करके, जिससे कि उनको भी चुनौती महसूस हो। और देखिए ये सब चीजें, जहां तक बात यह है कि अभी तुरंत नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि आपको आने वाले साल भर में, भाई बीजेपी तो हमेशा ही, जहां तक कहा जाता है कि बीजेपी चुनावी मोड में ही रहती है, ये तो एक जुमला सा लगता है मुझे, जुमला इसलिए मैं कह रहा हूं इसको कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की मैसेजिंग राजनीतिक तौर पर करना चाहते हैं कि आप हमेशा चुनाव लड़ने के मूड में हैं और आप जीत के लिए रणनीति बनाते खड़े हुए हैं। ये एक मैसेजिंग है, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। निश्चित तौर पे जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है वहां काम करना होगा और काम करके डिलीवर करना होगा। बिना डिलीवरी के अगर आप सोचते साहब की जो है आपको लोग वोट दे देंगे, तो ये लोगों को भी समझ में आता है बहुत अच्छे से। और आज जितनी ट्रांसपेरेंसी है, उस ट्रांसपेरेंसी में आप लोगों को बहुत, यानी आप कहना चाहते हैं काम कम दिखावा ज्यादा होता है, क्योंकि दिखाया जाता है कि हर समय एक्टिव मोड में रहते, चुनावी मोड में रहते, लेकिन काम करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर लोगों को आपको डिलीवर करके देना होगा। लोग चाहते हैं कि भाई हमारे हमारी समस्याओं का समाधान हमने सरकार चुनी है तो वो आपको करके दे, इसमें क्या गलत है। लोगों की अगर अपेक्षा है तभी, और अपेक्षाओं के ऊपर उस पार्टी को खड़ा उतरना होगा जो जिसको भी उन्होंने चुन के भेजा है। निश्चित तौर पर रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां तक बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो बीजेपी, लेकिन अन्य स्टेट जो है आज कहेंगे पूरी तरह से स्पूंज है ऐसे ही रन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है जी। अनिल जी, कांग्रेस से उनकी तैयारियों के बारे में पूछा, लेकिन वो तो भाग ही गए। जब वो अपनी तैयारियों के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी जीत आसान है या फिर जो राज्य की पार्टियां हैं वो कुछ कठिनाई ला सकती हैं? देखिए मैं यहाँ तक देख रहा हूँ जी कि पिछले चुनाव से कांग्रेस और कमजोर हुई है। पिछली बार तो ये तो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर नहीं बना पाए जी, तो उस समय 5 साल इनके पास समय था जब इनको अपने संगठन को रिवैम्प करना चाहिए था जी, जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ था उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है नहीं जिनके पास उसकी बागडोर है। सोनिया जी का जहाँ तक मामला है तो वो चूँकि अस्वस्थ रहती हैं, और राहुल को तो ऐसा लगता कि जबरदस्ती पकड़ करके उसको उनको राजनीति में बनाए रखा जा रहा है जी। तो और दूसरे को किसी को मौका वो देना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस भी कोई में भी कोई लोकतंत्र तो है नहीं, अगर आप चुनाव करें अध्यक्ष का सबको आप मौका दें तो कुछ हो सकता था, लेकिन अब इतनी पुरानी कांग्रेस है जिसको आज़ादी के बाद ही कह दिया गया था, महात्मा गांधी जी ने कहा था इसे खत्म कर देना चाहिए, किया जा रहा है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, मजबूत हो पाएगी कांग्रेस, क्या कुछ टक्कर दे पाएगी बीजेपी? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई टक्कर देने की स्थिति में है जी। और जब तक ये खड़ा करेंगे अपने आप को, बसपा भी मंथन कर रही है अपनी हार पे। देखिए बसपा का जहाँ तक मामला है जी, तो बसपा ने तो अपनी लुटिया खुद ही डुबोई है। बहन जी जिस डाल पे बैठी थी जब उसी को काट डाला, तो आप देखिए उनके पास तो एक जो जीत के भी आया है वो भी अपने बल पे आया है जी। और जो बसपा के लोग हैं जो गांव-गांव में रह रहे हैं उनके लोग जी, उनको भी अब ये लग रहा है कि बीजेपी ही हमारा देख रेख कर सकती है। आज हमने अगर 47 लाख लोगों को मकान दिए हैं तो ज़्यादातर जो मकान मिले वो दलितों को और मुसलमानों को तो मिले क्योंकि वही गरीब ज़्यादा हैं, और हमने अगर उनके यहाँ शौचालय दिए हैं तो उनको गरीब कह के अपमान कर रहे हैं दलितों का, गैस के सिलेंडर गरीब कह के अपमान कर रहे हैं सांसद जी, अपमान कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं, गरीब कहकर, अरे भाई जनता जनार्दन है, नहीं जो जनता ने मत देकर आपको इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा, अच्छा आप बोल लो फिर, और आपको इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठाने के बाद आप दलितों को गरीब,
अरे मुसलमानों को गरीब, जनता को गरीब, जनता तो जनाधार है उसका। अब हो गई बात, अब अपनी बात गए तो आप इसके लिए आप दलित भाइयों से माफी मांगे इस चैनल पे। भाई आप जो है, नहीं नहीं, आप मुसलमानों से माफी मांगे, आप जनता को गरीब कह रहे हैं। आप जो है, आप जनता को, दलित जनता को गरीब, जिसने जिसके जनमत से आप उत्तर प्रदेश और देश की कुर्सी पे बैठे हैं। आप कुतर्क करने के लिए बैठे हो क्या? आप कम से कम अच्छा ये बताओ, जनता का सम्मान करिए। आप कहिए जनता, सम्मानित जनता को मैंने दो, आप बेवजह की लड़ाई करने हैं। जनता को सम्मानित जनता भी कह सकते थे। मामला ये, इनके पास कुछ है नहीं, जनता को सम्मानित करना चाहिए। न इनका कुछ है, न इनकी जो है कहना उस तरह की पार्टी है। आप जनता को सम्मानित जनता भी कह सकते थे, गरीब जनता। अब सुनोगे नहीं अपने आगे। आप गरीब जनता, 2011 की जो आपकी जो जनगणना है उसमें जो बीपीएल है, बीपीएल का मतलब क्या होता, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें ज्यादातर दलित तो मुसलमान तो है जी। और अगर हम जितना भी दे रहे हैं, आपका जितना भी मोदी जी खर्चा कर रहे हैं, उसका 35% आप लोग मुसलमानों में जा रहा है, और एक कोई मुसलमान वोट दे रहा हो तो बताओ। आप आपको लगे हम तो नहीं आपके साथ गलत कर रहे हैं। अगर अनाज हम दो दो बार आपको दे रहे हैं मुफ्त में, तो उसका भी 35% आप लोगों में जा रहा है। जनता का पैसा जनता का टैक्स उसी को देकर, उसी को उधार देकर, उसी को फ्री में देकर एक एहसान जताना चाहते हैं। वोट की राजनीति करना चाहते हैं आप, वही राजनीति करना चल रहे। अरे जनसंख्या, आप बताइए, झंडा उठाए घूम रहे हो। आप बताइए, जनता का पैसा, जनता का टैक्स, तो कभी सरकार नहीं बना पाओगे। सरकार जनता बनाती है, सरकार जनता बनाती है। जनता ने नहीं बनाई ना, जनता ने मौका दिया आपको। हमको भले विपक्ष में बैठा ला है, आप 17 में हरा दिए, 22 में हरा दिए, ठीक है, मगर जनता ने जिसको जो हालात रहे, तो आने वाले चुनाव में 24 में अगर 5 एमपी बना लो तो बड़ी बात। 5 नहीं, 14 में 7 बनाए थे, 19 में 15 बनाए थे, और 22 में समाजवादी पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, तुमने उसके बहन जी के भी जोड़ लिया अपने साथ। नहीं क्यों, गठबंधन के साथ ही थे हमारे, गठबंधन थे। आज बताइए कोई मायावती जी का कोई स्टेटमेंट अगर गठबंधन ने टूटा हो बताइए। नहीं आप बताइए, गठबंधन था हमारा उनसे, लेकिन तुम क्यों नहीं जोड़े? सुनिए, और 2024 में, 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी रोकने का काम करेगी, ये बात सांसद जी आप मेरी आज नोट करके रखिए। जी शिवपाल आपसे नाराज है, आजम खान आपसे नाराज है, और अभी ओपी राजभर का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी कहा था कि अखिलेश एसी कमरों से निकले और जनता के बीच जाएं। उन्होंने एसी नहीं, बात समझ नहीं। बताओ इनको कौन वोट देगा? तुम्हारी कौन सी योजना है? हमारी देश के बारे में तुम्हारी क्या विचारधारा है? तुम क्या लोगों के साथ करना चाहते हो? कुछ भी प्लानिंग है? आपने तो देश के बारे में बहुत कुछ सोचा। आपके नेता, आपने बुलेट ट्रेन दी लोगों को, आपने उज्ज्वला योजना दी, गैस सिलेंडर दिया, गैस भरवाने का पैसा नहीं है जनता के पास, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि गाड़ियों से नहीं अब साइकिल पर चलने की लोगों की हालत बना दी, जनता बेरोजगार लाइन में लगाए खड़ी है। चलो सेहत अच्छी रहेगी, ये देखिए आप, वही तो मैं जनता को साइकिल, सेहत अच्छी रहेगी। आप आ गए हमारी साइकिल की तरफ, स्वागत है, आप हमारी साइकिल की तरफ आ गए। कम से कम आ तो सही बोला, इस साइकिल से कुछ कुछ चीजें तो ठीक हो सकती है। साइकिल से सेहत और सरकार दोनों में इसका यही बार उपलब्धि कैसे हासिल करेंगे, मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी तो हम समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं गठबंधन करके आप पहुंच जाते हैं, अपने आगे सफलता हासिल कर लेते, लेकिन कांग्रेस तो पहले ही भाग जा रही है, गठबंधन का रास्ता भी नहीं दिख रहा है, आपके अंदरूनी विवाद भी दिख रहे हैं। हम आपको बता, हमारे जो गठबंधन के साथी के चुनाव में, 24 के चुनाव में पूरे देश में कहीं कोई चैलेंज नहीं है, और हम जो है क्या नाम, 350 से ज्यादा सीटें जीत करके हम जो है फिर देश में सरकार बनाएंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार आगे भी चलती रहेगी जब तक इनको कोई, हम अगर हमसे सलाह चाहते हो मैं सलाह भी दे दूं जी। जब तक कोई ईमानदार आदमी, आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा आदमी जो ईमानदार हो, जिसके पीछे जो है क्या नाम तमाम काला इतिहास ना हो जी। वो कोई ऐसा आदमी आवे और सड़क पे निकल करके आवे और अच्छी योजनाएं ला करके लोगों को आह्वान करे और लोग उस पर विश्वास करें, तब तो मोदी सामने टिक सकता है। नहीं तो
ये जो लोग हैं विपक्ष के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, उसके विपक्ष पूरा एकजुट है, हमारा गठबंधन एकजुट है, हमारे चाहे वो शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हो, चाहे ओ पी राजभर जी हो, जय जयंत चौधरी साहब हो, समाजवादी पार्टी के साथ एकदम मजबूत वाला गठबंधन है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से जो रास्ता बनता है प्रधानमंत्री की कुर्सी का, उस प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता बनता है, उस रास्ते पे हम लोग सभी लोग, हमारे सभी गठबंधन के साथी उस रास्ते पर उतरेंगे और उस कुर्सी पर उत्तर प्रदेश के गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा, ये आप मान के जी बिल्कुल वक्त बताएगा। विजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगी फाइनल आंसर कि जिस तरह से ये परिस्थितियां हैं, विपक्ष को कई चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, विपक्ष अपना काम करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें सफल नहीं होता, किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, विपक्ष को एक राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित तौर पे ऐसे गठबंधन की जरूरत है जो कि एक सक्षम लीडरशिप के पीछे खड़ा हो और उसको मजबूती से साथ दे। क्षेत्रीय स्तर पे कई पार्टियां बहुत अच्छी स्थिति में हैं और कई स्टेट्स पे अपनी अच्छी पकड़ रखती हैं, उनकी उनका वजूद है, लेकिन जब तक कि एक कंबाइंड लीडरशिप नहीं होगी, एक कोई मजबूत उम्मीदवार चुनौती देता नजर नहीं आएगा, जब तक लोगों में विश्वास नहीं जगेगा, और ये बहुत जरूरी है। तो जरूरी ये है कि विपक्ष जो है अपना गठबंधन बनाए और एक मजबूत नेता को सामने रख के जो राष्ट्रीय फलक पे नई चीजें गढ़ने की क्षमता रखता हो और लोगों में उसके प्रति विश्वास जगे, लोग उस पर विश्वास करें और कहें कि नहीं, ये हो सकता है हमारा एक अल्टरनेट लीडर के रूप में। फिलहाल मुझे इस बात में बहुत बहुत मजबूती से चीजें रखती नहीं है क्योंकि मोदी के सामने कोई चुनौती नजर नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती खड़ी करने की क्षमता पहले खड़ी करनी होगी। विजय जी, कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं लेकिन उनको चुनौती कोई बनाना नहीं चाहता है पीएम के अगेंस्ट। नहीं, देखिए, अब ये तो कांग्रेस को तय करना है ना, वो देखिए, राजनीतिक दल जो भी है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पे मजबूत हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, उन्हें ये तय करना होगा कि कौन जो है हमारा लीडर होगा। ये इस तरह से आप लीडरशिप के बगैर कोई पार्टी कोई चुनाव नहीं ठीक से लड़ सकते। आपको ये तो तय करना ही होता है कि हमें बढ़ना कैसे है और ये आइडेंटिफाई करना होगा, लीडर भी आइडेंटिफाई करना होगा और थ्रस्ट का जो पॉइंट्स होंगे, जो इश्यूज होंगे, जो मुद्दे होंगे, उनको भी मजबूती के साथ मिलजुल करके एक चुनौती खड़ी करने की स्थिति में जब आएंगे तभी लोगों में विश्वास पैदा होगा और लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर हम इन्हें वोट देते हैं तो हमारा जो है वोट कामयाब होगा, हम एक अच्छा भविष्य अपने लिए चुन सकते हैं, ये हमारा भविष्य का लीडर हो सकता है जो कि कहीं बेहतर होगा। तो ये जो कंपैरिजन है लोग भी करते हैं कि मैं, मेरे कहने भर की बात नहीं है, अगर आम एक चाय की दुकान पे खड़े जाए तो भी लोग बात करते हैं आपको मुद्दों पे और लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में मिल जाएंगे। तो ये बातें हैं और ये रहेंगी और लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी निश्चित तौर पे 1.5 साल का वक्त ठीक ठाक वक्त है और गठबंधन बने तभी जाकर के लोकतंत्र की खूबसूरती है अच्छे से चुनाव लड़ना, ये भी एक बड़ी बात है, एक अच्छा अल्टरनेट देना ये भी एक जरूरी है क्योंकि उसके बगैर डेमोक्रेसी जो है मजबूत, जो भारत को कहते हैं बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का देश है, इसमें ये सब चीजें बहुत आवश्यक होंगी और इस पर निश्चित तौर पर विचार किया ही जाना चाहिए कि सारा जो एक नेचुरल सिद्धांत है, जो प्राकृतिक नियम है, सारी चीजें उस पर चलती हैं, चाहे जिंदगी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे समाज हो जी। और ये नियम है प्रकृति का कि जब हम छोड़ने की प्रवृत्ति पैदा कर लेते हैं, त्याग करने की हिम्मत पैदा करते हैं तो लोग जुड़ते हैं ना जी। तो अभी तो कौन सी ऐसी पार्टी जो त्याग करने तैयार है? अब अभी अगर आप ममता जी से पूछो तो कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, अखिलेश जी से पूछोगे तो कहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूँ। आप जहाँ चले जाओ एक एक आदमी की जो पार्टी हो सारे प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। तो भाई कोई आदमी जब छोड़ने तैयार नहीं है तो कैसे आप बन जाओगे? बिल्कुल, देश का हित ध्यान रखना चाहिए, वो किसी को भी सत्ता चाहिए हो। फिलहाल इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, हमारे साथ इस चर्चा का भाग बनने के लिए। हमारे साथ सपा नेता रजी हसन जी जुड़े थे, अनिल शुक्ला जी बीजेपी से पूर्व सांसद जुड़े थे और विजय दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े थे और कांग्रेस से हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े थे जो कि बीच डिबेट ही हमें छोड़ के चले गए, अपना पक्ष नहीं रख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए।
तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियों में विपक्ष भी जुटा हुआ है, लेकिन कमजोर दिख रही है विपक्ष की तैयारी, और विपक्ष को और मजबूत होने की जरूरत है, जनता के अहम मुद्दों को उठाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए, कांग्रेस की एक मजबूत पार्टी है, उसको भी अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, वरना ये जो चुनाव है 2024 का वो एक पक्षीय होता हुआ नजर आएगा। तो हर एक मुद्दे पे ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।